जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी रिपोर्ट को लेकर आर्ग्यूमेंट भी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि किन किन दो वजहों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में फॉरेंसिक टीम ने निष्कर्ष पर आकर कहा कि कोई भी जो है सो साजिश नहीं हुई। दरअसल इसके पीछे कारण कई माने जा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बिसरा जांच को लेकर सवाल खड़े हुए, क्योंकि सबूत नहीं मिले सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्ट्रगल के, और तो और ना तो कोई केमिकल पाया गया, सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी कि सुशांत के बॉडी में बिसरा जांच के दौरान केमिकल पाया गया था। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया है कि जो भी परिस्थिति पाई गई है सुशांत सिंह राजपूत के उस इंसिडेंट के दौरान की, उसमें किसी भी तरह के स्ट्रगल के मार्क्स नहीं हैं और ना तो किसी तरह के स्ट्रैंगुलेशंस को लेकर आशंका अब बनी है। और तो और जो भी निशान थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने ड्रास्टिक स्टेप की वजह से ये बताया जा रहा है। विसरा रिपोर्ट के जरिए ये साफ पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी में नहीं था कुछ भी, उन्होंने खाना नहीं खाया था, ये सच बताया था उनके कुक नीरज ने। वहीं दो तर्क के आधार पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में इसे पुष्टि की गई है कि कोई साजिश नहीं हुई। अंतिम नतीजे में एजेंसी सीबीआई को ही जांच के बाद बयान देनी है, लेकिन सीबीआई फिर भी चुप है। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने जाँच तो पूरी कर ली है, लेकिन अब मुंबई के अस्पताल की रिपोर्ट को सही बताने के बावजूद वो फंसी हुई हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल सीबीआई ने इस पर कंफर्मेशन नहीं दी है। 28 सितंबर को एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर की टीम और सीबीआई के बीच बैठक हुई और एम्स ने हर मामले में इस बारे में सीबीआई को जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी और तर्क भी हुए, जिसके बाद डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एम्स की फॉरेंसिक टीम और सीबीआई दोनों को काफ़ी ज़्यादा एक नतीजे पर लाकर सहमत कराने में कामयाब हुए। और तो और आपको बताना चाहेंगे कि सीबीआई पहली बार बाई बयान जब जारी कर रहे थे, तब सीबीआई की टीम वाले कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में पेशेवर तरीके से जांच की जा रही है और प्रोफेशनल तरीके से जांच में किसी भी तरह की मुश्किल घड़ी में कोई कमी नहीं छोड़ा जाएगा। मेडिकल राय मांगी गई थी सीबीआई की तरफ से ही, लेकिन तीन डॉक्टर जो है वहाँ पर क्राइम सीन क्रिएट करने गए, उस पर भी कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।